हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको कई ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो इस बात पर जोर डालते हैं कि यह वायरस चाइना की लैब से आया है, और इम्पोर्टेंट डेटा भी मिलेगा जो आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। वुहान वायरस पे चाइना स्टार्टिंग से ही झूठ बोलता आया है, पर अब लगता है कि चाइना के इन झूठे दावों को मानने वाला कोई नहीं बचा है। चाइना को सबक सिखाने के लिए 5 देशों के समूह, जिसे फाइव आइज के नाम से भी जाना जाता है, ने काम करना शुरू कर दिया है। फाइव आइज में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे के साथ इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस डेटा शेयर करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरीके से काम करती हैं। यहाँ तक कि जिसे आप अपना दोस्त कहते हैं, वो भी किसी न किसी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का स्पाई हो सकता है। इस पर बात करेंगे अलग वीडियो में। दोस्तों, फाइव आइज ने चाइना की वुहान लैब पर नज़र गड़ा रखी है, और फाइव आइज के पास कई ऐसी इम्पॉर्टेंट क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो चाइना की बैंड बजाने के लिए काफ़ी है। फाइव आइज का एक डोजियर लीक हो गया है, जिसमें चाइना पर कई आरोप लगाए गए हैं। इस डोजियर में साफ साफ लिखा है कि चाइना की वुहान लैब और कोरोना वायरस के बीच कोई ना कोई रिलेशन है। इस डोजियर में ये भी बताया गया है कि चाइना ने पूरे विश्व से कोरोना वायरस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपाया है, और इसमें लिखा है कि चाइना ने अपने यहाँ के डॉक्टर्स, जिन्होंने इसकी सच्चाई वर्ल्ड को बतानी चाही, उनको गायब करवा दिया, और पूरे विश्व के साइंटिस्ट्स जो इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे थे, उनको इस वायरस के लाइव सैंपल्स भी नहीं दिए। गौरतलब है कि कुछ वुहान लैब के साइंटिस्ट्स आज से कुछ ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट भी कर चुके हैं इस वायरस पर। इस डोजियर में यह भी बताया गया है दोस्तों कि अराउंड 50 वायरस सैंपल्स डॉक्टर शी के पास उनकी लैब में अवेलेबल हैं, जो वुहान लैब की एक सीनियर साइंटिस्ट हैं और बैट्स पे काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रही हैं। इन सैंपल्स का 96% जेनेटिक मैच करता है कोविड-19 के वायरस से। डॉक्टर शी ने खुद ये स्टेटमेंट दी है कि जब उन्हें इसकी न्यूज़ मिली तो वो खुद इतनी टेंस थी कि कहीं उनकी लैब तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस पूरे रायते के लिए। इसमें यह भी बताया गया है कि वहाँ पे सार्स की तरह और भी कई तरीके के कोरोना वायरसेस को डिस्कवर किया जा रहा है, जिनको बैट्स से ह्यूमन में ट्रांसफ़र किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सार्स 2003 में फैला एक वायरस था। नवंबर 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के साथ चाइना ने एक टाइप किया था एक स्टडी करने के लिए, जिसमें यह पाया गया कि सार्स टाइप के वायरस बैट से ह्यूमंस पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, जिसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। और मार्च 2019 में खुद डॉक्टर शी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि सार्स जैसा वायरस बैट से चाइना में ओरिजिनेट हो सकता है। और एक खास बात दोस्तों, इसकी पहली पेशेंट कोई नॉनवेज मार्केट की सेलर नहीं थी, बल्कि वुहान लैब की एक वर्कर थी जिसका नेम था वांग यानलिंग। उसको गायब कर दिया गया। ये रिपोर्ट कंक्लूड करती है कि चाइना ने इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया पोस्ट्स को गायब कर दिया और 20 जनवरी तक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की कंफर्मेशन भी नहीं दी। पर अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है कि ये एक चाइनीज लैब से लीक हुआ वायरस है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इस लैब को फंड्स दिया करते थे, पर 2014 में अमेरिका ने इस लैब को फंड्स देने बंद कर दिए थे, क्योंकि उन्हें एक महामारी के फैलने का पूर्वाभास हो गया था। पर 2017 में दोबारा स्टार्ट कर दिया अमेरिका ने इस लैब को फंड्स देना। और ऐसे में अमेरिका वैसे ही चाइना पे सीधे आरोप लगाता रहा है कि ये चाइनीज वायरस वुहान लैब से ही निकला है। और हाल ही में अमेरिका ने चाइना की वुहान लैब की अच्छे से जांच करने के लिए चाइना से परमिशन मांगी थी, जिसे चाइना ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर चाइना इनोसेंट था तो उसे जांच करने की परमिशन दे देनी चाहिए थी।
ये तो जांच में सामने आ ही जाता कि वुहान लैब का इसमें कोई रोल है या नहीं। और चाइना ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी दी है कि अगर फाइव आइज ने जांच करना बंद नहीं किया तो बीजिंग की तरफ से एक आक्रामक रिप्लाई देखने को मिलेगा। ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये वायरस वुहान लैब से आया है तो चाइना को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज तो वैसे ही तैयार खड़े हैं साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पीओके को भारत में मिलाने का काम पिछले साल से ही स्टार्ट हो गया था और कैसे हाल ही की घटनाएं जैसे चाइना का असम में जवानों के साथ झड़प और कई अन्य मुद्दे आपस में इंटरलिंक्ड हैं और क्या प्लान है भारत सरकार और अजीत डोवाल जी का पीओके को भारत में मिलाने के लिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड एनालिसिस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन पाएं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।